हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में निकली हैं। क्लरिकल पोस्ट है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, दिज आर 352 और जनरल के लिए 183 हैं। एज है जनरल के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42। क्वालिफिकेशन बी मीन्स ग्रेजुएशन है, बीए या कुछ भी बैचलर हो, साइंस में हो या बीटेक हो, एनीथिंग। और क्वालिफिकेशन में आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने 10th में हिंदी पास किया होना चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी। आपने अगर बाद में टेस्ट देके पास किया है तो भी दैट वुड डू। अगर आपने हिंदी नहीं पास की है 10th में और बाद में टेस्ट भी नहीं दिया है तो आप अलाउड एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। मोड ऑफ सेलेक्शन गाइज, एक ऑफलाइन टेस्ट होगा इसका, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 50 जीके के और 50 इंग्लिश के। और इसमें एक क्लॉज है, दैट इज़ कि 33% मार्क्स लेने हैं आपको हर सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश में भी मिनिमम 17 और जीके में भी मिनिमम 17। अगर आपके मिनिमम 17 नहीं है एक सब्जेक्ट में, दूसरे में चाहे 50 out of 50 हैं, यू आर नॉट एलिजिबल। तो मेक श्योर आप दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी करें। कैसे करनी है मैं आगे बताऊँगा वीडियो में, सोर्सेज बताऊँगा। और इसके बाद है एग्जामिनेशन फ़ीस, तो जनरल के लिए 750 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 375 है। अब आते हैं बुक्स पे, स्ट्रेटजी पे। देखिए, दो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश एंड जीके। इंग्लिश के लिए आप ये बुक लीजिए नीतू सिंह की, जो केडी कैंपस की डायरेक्टर हैं दिल्ली में, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है और इनकी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। मैंने भी खुद अपनी तैयारी वहीं से की थी। तो देखो, ये जो बुक की मैंने फ़ोटो लगाई है, ये रिवाइज्ड एडिशन है 2017। अभी मार्केट में यही अवेलेबल है, बट नीतू सिंह ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपनी बुक का रिवाइज एडिशन 2019 लेके आ रही हैं, जो उनकी साइट और बाकी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल होगा, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे। तो आई वुड रिकमेंड दैट यू बाय द न्यू एडिशन, दैट इज़ रिवाइज एडिशन 2019, बिकॉज शी सेड दैट शी इज़ गोइंग टू ऐड 10 न्यू चैप्टर, फुल फ्लेज चैप्टर्स इन दैट। सो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी कि आप थोड़ा वेट कर लें, 2019 एडिशन ही पढ़ें। उसके बाद जैसे ही, और हाँ, इस बुक के बारे में बता दूँ, इसमें हर चीज़ कवर है इंग्लिश की कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये बुक अच्छे से कर लेते हो तो आपके 35 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे डेफिनेटली, बट हाँ, प्रोवाइडेड आपने अच्छे से की है और रिवाइज भी की है। उसके बाद आप क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लो जो हाई कोर्ट के आए हैं, उससे आपको पैटर्न में थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया फ्रेंड्स, पहले ये कॉम्पोजिशन वगैरह भी आता था, राइटिंग पार्ट, अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ 50 इंग्लिश और 50 जीके के आएंगे। और दूसरी बात, हाँ, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। जैसे पंजाब ने जब ये पेपर लिया था तो 45.75 कट ऑफ गई थी, तो अब मैं इस टाइम हम होप कर सकते हैं, अगर थोड़ा इंक्रीज भी होगा तो 48 या 50 के आसपास जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसके बाद में आप क्या करोगे इंग्लिश के लिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा सीपीओ में जो इंग्लिश आई थी, क्योंकि उसमें भी सेम 50 क्वेश्चंस प्री में इंग्लिश के आते हैं और सेम पैटर्न पे आते हैं, अच्छे लेवल के आते हैं, जैसे हाई कोर्ट के पेपर में आते हैं। तो आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सीजीएल के क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ दे दूंगा जो 17-16 में आई है, वहाँ से आप रिवाइज कर लो, आंसर भी गिवन होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं जीके पे, जनरल अवेयरनेस पे। देखो, 20 to 25 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर आपको कौन से करने हैं, आप 2018 के करेंगे, 2018 के करेंगे और पेपर से पहले जितना भी 19 हो जाएगा तब तक के करेंगे। पेपर गाइज अप्रैल और मई में दिया है और मुझे लगता है ये मई में करा देंगे, उससे लेट नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। तो प्रतियोगिता दर्पण बहुत ही परफेक्ट बुक है आपकी प्रिपरेशन के लिए 2018 के लिए। इनका जो ये एडिशन है जिसकी फ़ोटो लगाई है, ये फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी अवेलेबल है, मैं आपका पीडीएफ भी दे दूंगा इसका। ये 250 की बुक है, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसमें पूरा 2018 डिटेल्ड कवर है, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। 19 के लिए आप करंट अफेयर की वीडियो वगैरह फॉलो करते रहिए ऑनलाइन, या मतलब मैं एक बात बोलूँगा कि कुछ बंदे रिकमेंड करते हैं न्यूज़पेपर पढ़िए, इसी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बट अगर आप अभी शुरू करेंगे तो इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। बेटर टू स्टिक टू दीज सोर्सेज जो मैं बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर से आप टाइम वेस्ट मत करें। और स्टैटिक पार्ट के लिए आप लूसेंट पढ़ लो या फिर अरिहंत पढ़ लो, जो भी आपको कोई भी बुक है आपके पास, जो भी आप फॉलो करते हो यहाँ से आपको याद है तो आप वहीं से करो, नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। और यूट्यूब वीडियोस वगैरह क्वेश्चंस के लिए जो भी आती हैं वो देख सकते हैं, मैं भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा, आप उनको भी देख लीजिए, जो टारगेट करूंगा इस पेपर को ही पर्टिकुलरली। और डेली करंट अफेयर आप करते रहिए, क्योंकि अभी 3-4 महीने पड़े हैं तो इतना तो एटलीस्ट आपके टिप्स पे हो जो अभी 3-4 महीने हैं। हाँ, इसमें करंट अफेयर जैसे ना, मेनली तो आपको पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट पे फोकस करना है, थोड़ा एंशंट हिस्ट्री पे भी करना है, लॉ के रिलेटेड क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई, क्या चेंज हुए, वो सब आपको फोकस करने हैं। तो गाइज, इतना ही आज के लिए, इतना ही, थैंक यू सो मच।
आपका टाइम देने के लिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, ताकि आप आगे की वीडियोस आपके पास आती रहें। थैंक यू सो मच।